और हमेशा मेरे बैग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा मेरे साथ रहती है, वही बाइबल, जो जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं पढ़ती हूँ। हालेलुया, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मल्लिका सिंह के बारे में। अगर आप मल्लिका सिंह को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, मल्लिका सिंह एक बॉलीवुड की टीवी एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में भी काम किया और वह अभी एक टीवी सीरियल जिसका नाम है राधा कृष्ण, उस शो के अंदर काम कर रहे थे और उनके कुछ इंटरव्यूज लिए गए। तो दोस्तों जब उनसे इंटरव्यू लेते समय ये पूछा गया कि आप अपने बैग को खोल कर दिखा सकते हैं कि आप अपने बैग में क्या क्या चीज़ें रखते हैं। दोस्तों जब मल्लिका सिंह ने अपने बैग को खोलकर दिखाया तो उन्होंने बताया कि उनके बैग में एक छोटी सी बाइबल रहती है जो कि वह हमेशा ही अपने बैग में कैरी करती हैं। उनकी मासी ने उनको इस बाइबल के बारे में बताया, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया और वह हर रोज इस बाइबल को पढ़ती हैं और सच में जब परमेश्वर के वचन को वो सुनती है उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके दिल को तसल्ली मिलती है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातों को कहा, तो दोस्तों आइए हम उस इंटरव्यू को सुनते हैं। और हमेशा मेरे बैग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा मेरे साथ रहती है, वही बाइबल, जो जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं पढ़ती हूँ। ये देखो, और बहुत चाहती रहती है ये, तो मैं बचपन से पढ़ती हूँ। ये मेरी जो मासी हैं उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में, तो इसमें प्रेयर्स हैं, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको ज़रूर सुनाती। दोस्तों जैसा कि अभी मल्लिका सिंह ने भी बताया, जब वो बाइबल को पढ़ती है उन्हें बहुत सुकून मिलता है। उनकी मासी ने जीसस क्राइस्ट के बारे में उनको बताया और अब वो हर रोज इस बाइबल को पढ़ती है और अपने साथ इस बाइबल को कैरी करती है। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बात को लेकर बहुत से लोगों ने उनको ट्रोल किया। उनको कहा जाता था कि मल्लिका सिंह एक हिंदू है और वह राधा कृष्ण में राधा का रोल प्ले कर रही है, तो उनको ऐसी किताबें नहीं पढ़ना चाहिए, उनको तो भागवत गीता या रामायण जैसी ऐसी किताबें पढ़ना चाहिए और वह क्रिश्चियन धर्म की एक बाइबल को पढ़ती है, ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कहा जाता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, कोई जात पात कुछ नहीं है, सभी एक बराबर है। मगर दोस्तों ऐसी ही बातों को जब ये लोग कहते हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े पेज जो कि इंस्टाग्राम पर जिनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं, और इन्होंने भी इस बात को कहा कि मल्लिका सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऐसी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, उनको तो कुछ हिंदू धर्म की ग्रंथ की किताबें पढ़नी चाहिए। भागवत गीता चैंटिंग, उन्होंने लिखा है मल्लिका सिंह के बारे में कि उन्हें राधा का किरदार निभाने का कोई हक नहीं है। अब जानते हैं इसके पीछे उनका रीजन क्या है। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो बाइबल पढ़ता है सो वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है और जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है उसे हिंदू धर्म के गॉड गॉडेस का किरदार निभाने का बिल्कुल हक नहीं है और उन्हें जो है भागवत गीता पढ़नी चाहिए थी। सो गाइस, एक तरफ तो हम बोलते हैं इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है, सभी धर्म जात पात सब समान है और यहाँ ऐसे बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े इंस्टाग्राम पेजेस उसी सेक्युलरिज्म को खत्म करके ऐसी चीजें को स्प्रेड करते हैं। और गाइस एक नहीं दूसरा भी एक और मैं आपको बताता हूं, इसका नाम है हिंदू विंग्स। सो इन लोगों का कहना है कि वही लोग हिंदू गॉड गॉडेस का किरदार निभा सकते हैं जो कि हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं। सो गाइस अगर एक बंदा बाइबल पढ़ लेता है तो इससे ये प्रूफ नहीं होता कि वो हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करता है, लेकिन लोगों को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है कैसे भी करके किसी को भी नीचे गिराने का, किसी को भी ट्रोल करने का। और जैसा कि अभी आपने देखा, मल्लिका सिंह जो कि राधा का किरदार निभा रही है और जब वह परमेश्वर को वचन को पढ़ती है सच में उनके दिल को सुकून मिलता है। और आज भी मल्लिका सिंह अपने बैग के अंदर वो छोटी सी बाइबल कैरी करती है और उस बाइबल को वो हर रोज पढ़ती है। तो दोस्तों क्या आप भी बाइबल को पढ़ते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।